आओ मेरे बोलो सर। पहली बात तो ये, मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा सर। मैं फर्स्ट डे जब आया था तब मैं बहुत उछला, मस्ती करी, मजाक करी, फिर मैंने एक चीज देखी, मैंने सर बोलने के पॉइंट नहीं मिलते यहाँ, किसी का मुंह बंद कराना है। कितनी अच्छी बात की कितनी अच्छी बात की सर, जीत के मुंह बंद के पॉइंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर अगर आपने किसी का मुंह बंद करना है सिर्फ जीत के करो, और उमर यही कर रहा है पहले दिन से। और सर जब इमरान मेरी टीम में नहीं था तब भी हम एक गेम जीते थे, दूसरा इमरान। तो सर अपनी मेहनत करते हैं, वो नहीं होता, आप पॉइंट्स तो लें, आप कुछ बन के तो दिखाएं, सिर्फ बातें करने से कोई नहीं मिलता। आज बड़े बोल नहीं बोलता, ये भी चैंपियन में था मगर अल्लाह का इतना करम है, चैंपियन संभाल के मैं बैठा हूँ। ये देखो यार, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इस बात के ऊपर यार, जबरदस्त बात की है यार इसने। आमिर छोड़ दे, आमिर चैंपियन का वो प्लेयर है जो सीजन वन से आज नवा सीजन है माशाल्लाह, और ये हिला नहीं है अपनी जगह से, क्योंकि इसकी वजह एक ये भी है कि जब मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूँ टीम्स बनाने के लिए, अपनी जो मेरे साथ बैक ऑफ द स्टेज मेरी टीम होती है, तो उसमें से जब भी चैंपियन आता है तो उमर ने अपनी जगह इतनी पक्की कर ली है अपने पैशन से और अच्छा खेल के कि मैं इसको निकाल ही नहीं पाता। आप यकीन जाने मेरे जहन में दूसरा लड़का आता नहीं है कि यार मैं इसकी टक्कर का लड़का लाऊं वहां से। आप देखें, ये हॉकी भी खेलता है, ये क्रिकेट भी खेलता है, ये गाता भी है, ये डांस भी करता है, ये सारे गेम्स पैशन के साथ खेलता है। और लास्ट सीजन में आमिर, लास्ट सीजन में इसको जो कैप्टन बनाने का मैंने मशवरा दिया था ना, वो बिल्कुल सही था। ये डिजर्विंग कैप्टन था चैंपियन का, चैंपियन जो था, चैंपियन एक ऐसी लीग है, नहीं वो तुम ना मानो, तुम्हारे मानने से ना किसी को यहाँ फर्क पड़ता है, ना ऑडियंस में किसी को फर्क पड़ेगा, वो सिर्फ तुम्हें फर्क पड़ता है। और ये जो सोच है ना आमिर, ये बहुत पीछे ले जाएगी अगर तुम ये सोच रख के खेलोगे कभी भी कि यार सामने वाला जो भी है मैं नहीं मानूंगा। अगर वो उस कैलिबर का प्लेयर है, अगर वो केपेबल है और तुम्हारे सामने रोज रोज प्रूफ भी कर रहा है, तो फिर वो डिजर्विंग आदमी होता है। लेकिन दानिश भाई, अभी आपने बोला अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना है, क्यों हम किसी को स्ट्रॉन्ग समझे? सीधी सी बात मैं तो बोलूंगा नहीं है, यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ दूसरे को रिस्पेक्ट देने की बात हो रही है। मैंने तुमसे कहा कि तुम किसी से मुकाबले के लिए जा रहे हो, अगर सामने तेज बॉलर लगा है तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा भाई चलो कौन हो तुम, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसका मुकाबला करने के लिए रेडी हूँ। सही है, हो सकता है मैं पहली बॉल में बोल्ड हो जाऊं, हो सकता है कि मैं पहली बॉल में बोल्ड हो जाऊं, लेकिन मैं मुकाबला करने के लिए आऊं, बदतमीजी नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार अगर लेजेंड्स हैं कुछ, अगर जैसे शेन वॉर्न बहुत खतरनाक बॉलर थे, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी विकेट्स ली हुई उन्होंने, ली हुई थी, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार ये शेन वॉर्न तो अपने वहां, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, कमाल का बॉलर है, मैं मानूंगा इस बात को। हाँ मैं हूं उसकी तैयारी के लिए, मैं आया हूं खेलने के लिए भाई, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की हुई है, तो हो सकता है मैं आउट हो जाऊं, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और मैं कहूंगा नहीं मैं आउट नहीं हूंगा, ये मैं अपने आप से कह रहा हूं। दूसरे को मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम कुछ भी नहीं हो, अगर वो है तो उसको मानो कि वो कुछ है। खैर, इस नोट के ऊपर मैं आज का गेम शो फिर से शुरू करूंगा। पहली टीम क्वालिफाई कर चुकी है, टीम चैंपियंस और इंस्टाग्रामर्स भी क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट, अभी तक आमिर। लेकिन अगर ये दो मैचेस यूट्यूबर्स जीत जाते हैं, आज और कल का मैच गेम चेंजर के साथ, तो चैंपियंस बाहर हो जाएंगे और फिर पहला क्वालिफायर में इंस्टाग्रामर्स वर्सेस यूट्यूबर्स खेलूंगा। जैन ने आगे इस टीम को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है और बासित की कमी मुझे उस तरह महसूस नहीं होने दी है। लेकिन अब कल का मैच जो था उसमें ज्यादातर गेम्स तुमने खेले, आज क्योंकि ज्यादातर गेम्स जो है मसरूर ने खेले हैं, तो तुमने इसको बताते भी रहना है कि यार गेम्स किस तरह तुमने खेल के जीते हैं, तो इसको तुम्हें इस तरह मशवरा देना है, मैं देखना ही चाहूंगा। अगर इंस्टाग्रामर्स आज जीत गए तो यूट्यूबर्स की कहानियां खत्म हो गई, फिर आप एलिमिनेटर्स ही खेलोगे, या टिकटॉकर्स भी जीत गए तो भी ऐसे ही होगा। हाँ बोलो, एक बात पूछनी। हाँ आप ये बोलो, हम क्यों बाहर हो जाएंगे क्वालिफायर से? गेम चेंजर खेला है उन्होंने, तीन बार खेले, एक बार उनको जितवाया था यार, बात कर रहा हूँ ना मैं। नहीं, गेम जीते थे वो लोग, गेम जीते थे ना पूरा, उस दिन के विनर थे ना इंस्टाग्रामर्स। सर हम भी दो बार, हम लोग ने गेम चेंजर, हमने चार बार खेला है, समझे नहीं, तीन गेम चेंजर जीते। मेरी बात मेरी समझ, देखो इन लोगों ने जो गेम चेंजर था वो खेल के ये मैच जीते थे ना जी, तो उस दिन की विनिंग टीम यही हुई गेम चेंजर के साथ। सही है, गेम चेंजर के साथ, गेम चेंजर तक कोई पहुंचा और वो हार गया और कोई दूसरी टीम जीत गई और 6 पॉइंट्स का डिफरेंस था, 7 पॉइंट्स का नहीं था, तो वो विनिंग टीम है। सही है, वो पूरी विक्ट्री गेम चेंजर के साथ वो उसके खाते में जाती है, इसलिए वो तुम लोगों से इसलिए आ गए। और तुम लोग एक दिन गेम चेंजर हारे, वो चार में से चार जीते हुए। नहीं सर, हमारे साथ तो हारे थे वो, यूट्यूबर को दिया था जो।
उसके अलावा भी हारे हो नहीं एक बात बोलूं नहीं नहीं आपने वही गेम चेंजर हारे हुए जी सर एक बात बोलूं मैं जिस दिन हम लोग ने सारी टीम्स को आउट कर दिया था ना तो आपने कहा था वैसे तो तुम लोग को जरूरत नहीं आज गेम चेंजर खेलने की बट अगर आज का गेम चेंजर तुम लोग जीत जाते हो तो जो तुम लोग लास्ट वाला गेम चेंजर हारे हो वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा मतलब तुम सबसे ऊपर चले जाओगे पहले भी हारे हो यही बता रहा हूं मैं तुम्हें हारे नहीं एक ही हारे थे हम अली यार शरोज अच्छा मुझे बताओ ये लोग कितने गेम चेंजर हारे में हम नहीं हारे अपना गेम चेंजर बस वही वाला हारे थे तुम लोग हमने कवर कर लिया था कैसे कवर कर लिया था जो हमने सारी टीम्स को आउट कर दिया था आपने कहा था आज जरूरत नहीं है बट अगर आज का गेम चेंजर आप लोग जीत जाते हो तो इट मींस आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे जो वो वाला गैप आ गया वो तो आ ही गया ना वो जो तुम उस दिन जीते हो गेम चेंजर के साथ जीते हो अगर नहीं जीते तो फिर तुम दो दफा हार गए थे गेम चेंजर इसका मतलब है कि अगर यूट्यूबर्स दोनों दिन जीते गेम चेंजर के साथ तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे और आप दोनों रह जाएंगे पीछे ओ ये तो बड़ी टेक्निकल बात है भाई अभी तक इंस्टाग्रामर्स भी क्वालिफाई करके नहीं गए जैन आज अगर तुम्हें जाना है अच्छे से इनको जितवा के जाना है वरना तो ये भी क्वालिफाई करके नहीं गए हुए ये भी क्वालिफाई नहीं किए हुए ये भी नहीं किए हुए वो तो जीते हुए एक मैच है इनामात का खजाना लिए अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने को बोल तैयार है ट्रांसमिशंस तो सब करते हैं पर इस बार जो हम करने वाले हैं वो दुनिया देखेगी आपकी हथेली पे दौलत की लकीर हम खींचेंगे और बनाएंगे आपके ख्वाबों को हकीकत इस रमजान खुलेगा आपकी किस्मत का दरवाजा लाखों नहीं करोड़ों के कैश इनामा गेम शो और रमजान ट्रांसमिशन का हर सेगमेंट बनाएगा आपको मालामाल डिबेट क्विज नॉट कॉम्पिटिशन गेम शोज और पहली बार घर बैठे देखने वालों को मिलेगा करोड़पति बनने का मौका घर बैठे आजमाएं अपना नसीब इस रमजान चमकेगा पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं दानिश तैमूर बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा